नमस्कार, यह है हिमाचल अभी अभी .com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सीएम जयराम बोले, सभी राजनीतिक दलों में बीजेपी का सबसे मजबूत काम करने का तरीका। एसपीयू कोर्ट सदस्यों की अनुपस्थिति पर राज्यपाल खफा, जवाबदेही जिम्मेदारी बढ़ाने के दिए निर्देश। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की फाइनल परीक्षाओं की डेटशीट जारी। हरिद्वार महाकुंभ मेले के लिए 25 विशेष बसें चलाएगा एचआरटीसी। मेडिकल कॉलेज नैरचौक में 22 फरवरी से शुरू होंगी सभी ओपीटी, सभी के लिए खुले अस्पताल। प्रमोटर ने शिकायतकर्ता को फ्लैट खरीदने के लिए दी राशि, ब्याज सहित लौटाई। कुल्लू जिले के बंजार में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कांगड़ा में तेंदुए की 3 खाले बरामद, 2 गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक शीला चौक में होटल डी पोलो में चल रही है। कार्य समिति की बैठक के पहले दिन बीजेपी ने प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों में बीजेपी का सबसे मजबूत काम करने का तरीका है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार के प्रथम 3 सालों और बीजेपी सरकार के 3 सालों की तुलना की जाए तो विकास कार्यों के हिसाब से कांग्रेस ने 3 साल में 13,300 करोड़ खर्चे हैं, पर बीजेपी सरकार ने 21,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो लगभग 2 गुने हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 1 वर्ष कोविड-19 महामारी में व्यर्थ चला गया, हमें केवल 2 साल का कार्यकाल मिला है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं में साहस और क्षमता का निर्माण करने को कहा। वे आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 32वें वार्षिक कोर्ट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आंतरिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सदस्यों को जवाबदेही और दारी बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय कोर्ट के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की और वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट के समयबद्ध तरीके से तैयार करने पर बल दिया। दत्तात्रेय ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपनी आय बढ़ाने और अनुसंधान और विकास पर जोर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आज 12वीं और 10वीं कक्षा की नियमित और SOS के साथ 8वीं कक्षा की SOS की वार्षिक परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू होंगी। इनमें 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शाम के सत्र और 10वीं और 8वीं की परीक्षाएं सुबह के सत्र में आयोजित करवाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं और जमा 2 की कक्षाओं में नियमित परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं संबंधित विद्यालयों में लिखित परीक्षा से पूर्व आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जमा 2 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 मार्च 2021 से शुरू होंगी और 8 अप्रैल 2021 तक चलेंगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में 27 फरवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC 25 विशेष बसें चलाएगा। ये बसें 25 फरवरी से सभी जिलों से चलाई जाएंगी। HRTC फिलहाल प्रदेश भर से हरिद्वार और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए 32 बसें चला रहा है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि विशेष बसें चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इन बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए निगम प्रबंधन ने 9418000529 नंबर भी जारी किया है। किसी को समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से निगम घाटे में है, कर्मचारियों के वेतन के लिए भी पैसे नहीं है। शीर्ष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में मंडी जिला का सबसे बड़ा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नरचौक सोमवार से सभी के लिए खुल जाएगा। इस अस्पताल के दरवाजे 10.25 माह के बाद सोमवार 22 फरवरी 2021 से सभी के लिए खोल दिए जाएंगे। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के चलते राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2020 को इस कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके बाद यहां सिर्फ कोरोना से संक्रमित मरीजों का ही उपचार चल रहा था। 500 बिस्तरों वाला ये अस्पताल आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने इसे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल से हटाकर सामान्य रूप से सभी के लिए संचालित करने का निर्णय लिया है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि प्राधिकरण को विभिन्न शिकायतकर्ताओं से मैसर्स राजदीप एंड कंपनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 14 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस प्रमोटर के खिलाफ प्राप्त 14 शिकायतों में से 12 शिकायतों का निर्णय आवंटियों के पक्ष में किया गया और 2 अन्य शिकायतों की सुनवाई लंबित है। मैसर्स राजदीप एंड कंपनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ डॉक्टर मनमोहन ए चंदोला द्वारा 35,76,000 रुपए का ब्याज सहित रिफंड करने के लिए दायर शिकायत के मामले की सुनवाई 12 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई थी। इस दिन शिकायतकर्ता डॉक्टर मनमोहन ए चंदोला और डॉक्टर अंजलि चंदोला और प्रमोटर मैसर्स राजदीप एंड कंपनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता ने प्राधिकरण के ध्यान में लाया कि दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 42,31,106 रुपए, जिसमें मूलधन 6,55,107 रुपए और ब्याज भी सम्मिलित है, वापस करने के लिए 5 लाख का ड्राफ्ट दे दिया है और बाकी राशि के पोस्ट डेटेड चेक 21 अगस्त 2021 तक दे दिए गए हैं। कुल्लू जिला के बंजार में देर रात एक राशन की दुकान में आग लग गई। आग की इस घटना में 3 लाख का नुकसान हुआ है। देर रात आग भड़कने से यहां अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से एक कार को क्षति पहुंची है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार बंजार कॉलेज के पास एक राशन की दुकान में मंगलवार देर रात चिंगारी भड़की। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग लगने का पता चलते ही लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़े। दमकल विभाग की टीम भी सूचना मिलते ही आग बुझाने पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। डीएसपी बंजार बिन्नी मिन्हास ने कहा कि बंजार में एक दुकान में आग लगने से सामान जलकर राख हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थाना देहरा के तहत पुलिस ने कुंडली हार में मंगलवार रात नाके के दौरान 2 युवकों से 3 तेंदुओं की खाले बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 10 लाख से अधिक है। दोनों आरोपियों की उम्र 29 और 34 साल है और जिले के ही मझीन क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने अभी तक आरोपियों के नाम उजागर नहीं किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात पुलिस ने कुंडली हार में ज्वालामुखी की ओर जाने वाली सड़क पर नाका लगाया हुआ था। देर रात पुलिस ने देहरा की ओर आते बाइक सवार को रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही बाइक सवार 2 युवक वापस ज्वालामुखी की ओर भाग निकले। ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।